Hello students, hope you all are doing good. This class is for standard 4 and this is Hindi class. हमने previous class में chapter 1 का पाठ कविता याद कर लिया था, पढ़ लिया था. अब हम उसके आगे की तरफ बढ़ेंगे. आगे में है मौखिक प्रश्नों के उत्तर दो. ये आपको अपने मम्मी पापा को सुनाना है. बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं? बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं? बहुत तेज बारिश होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो नदी नालों में बाढ़ आ जाती है. ये आपको अपने मम्मी पापा को मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं. बादल ढोल कैसे बजाते हैं आपको बताना है. बादल कैसी शैतानियाँ करते हैं, किस किस तरह की शैतानियाँ बादल करते हैं. बरसात के पानी में को कैसे प्रयोग किया जा सकता है, बरसात के पानी का क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं हम, उसको है ना रीस्टोर करके, उसको जमा करके क्या कर सकते हैं, पौधों में सिंचाई के काम ला सकते हैं, उसको फिल्टर करके दोबारा पिया जा सकता है, वो प्यूरीफाई करके. तो बरसात के पानी का क्या क्या उपयोग आपके समझ से है उसको आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे. अब है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ. इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इस चारों में आपको कविता पढ़नी है और चारों पे जो सही आंसर है उस पे सही का निशान लगाना है. तीसरा है पंक्तियाँ पूरी करनी है. आपको कविता पढ़नी है, कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उन्हीं पंक्तियों को आपको पूरा करके लिखना है. चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो. साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल आते हैं आपको याद करना है. कौन कौन से मंथ में, तो साल के जुलाई अगस्त में ज़्यादा बादल आता है, सितंबर में भी आता है. तो हम लिखेंगे कि साल के जुलाई अगस्त और सितंबर माह में ज़्यादा बादल आते हैं. कविता में काले बादलों की बात की गई है. क्या बादल सचमुच काले होते हैं? तो आपने देखा होगा कि जब बारिश आती है तो सच में बादल काले होते हैं. तो हमको यही बोलना है, हाँ कविता में काले बादलों की बात की गई है और सच में बादल काले होते हैं. कभी कभी सफ़ेद बादल भी होते हैं, देखने को मिलता है हल्के सफ़ेद बादल, नीले बादल. बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? बादल में आपस में, क्योंकि बादल को तूफानी क्यों कहा गया है? क्या होता है, बादल जब आपस में टकराते हैं तो जोर जोर की आवाज़ होती है, गर्जना होती है, इसलिए बादलों को तूफानी कहा गया है. बादलों की बनावट कैसी होती है? अब बादलों की बनावट तो बहुत अलग अलग होती है, पर इस पाठ में आपने कैसे कैसे बादलों को पढ़ा है, हाथी जैसे सूंड वाले, जब गुब्बारे वाले मुँह जैसे, गुब्बारे जैसे मुँह वाले, घुंघराले बालों वाले आपने पढ़ा है, और पड़ियों जैसे बादल, तो उन्हीं के बारे में आपको ये आंसर लिखना है. बादल अपने थैले से क्या निकालते हैं? बादल अपने थैले से क्या निकालते हैं? जल की बरसात निकालते हैं, बौछार निकालते हैं. तो वही आपको आंसर लिखना है. ये आंसर आपको खुद से करना है क्योंकि हिंदी का पाठ है और आप हिंदी का पाठ आंसर अपने शब्दों में करना है और इसको अपने कॉपी में, रफ कॉपी में नोट करना है. फिर जब स्कूल खुलेगी, टीचर आएंगे, आपको वो चेक करा लेना है और उसको फिर उसके बाद रफ जो फेयर कॉपी होगी उसमें नोट करना है. नेक्स्ट में हम बढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द लिखना है. पर्यायवाची शब्द में आपको, पर्यायवाची शब्द में है आपको आसमान, बादल और हाथी, इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, वो भी तीन तीन. तो आसमान का पर्यायवाची शब्द होगा नभ, गगन, आकाश. बादल का होगा जलद, मेघ, घटा. हाथी का होगा गज, एरावत, कुंज. अब है वचन बदलना है. एक वचन में दिया हुआ है और आपको बहुवचन में लिखना है. जैसे नदी का नदियाँ, थैला का थैले, शैतान का शैतानियाँ. तो ये आपको वचन बदल के लिखना है, वाक्य में प्रयोग करना है. नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको वाक्य बनाना है. और चौथा है सही शब्द पे गोला लगाना है. तूफानी, तूफानी, इसमें जो सही शब्द है, जो मात्रा सही है, सब कुछ सही है, उसमें ये एक जैसे दिखने वाले शब्द है पर एक गलत और एक सही है, तो आपको सही शब्द को गोला करना है. चौथा है सही वर्तनी करके शब्द पूरा करें. नीचे दिया गया हाथी होता है या हाथी होता है, क्या होता है उसको सही शब्द, दो अक्षर दिए गए हैं, मात्रा भी दी गई है, उसको जो सही वर्तनी होगा उसको लगाकर शब्द को पूरा करना है. आज के वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.